है, दो ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लोगों में मनानी भी चाहिए, एक ही अच्छा एकदम है, लेकिन हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में आ चुका है। और हम सारे इकदाम तब करते हैं जब हमारे सर पर चीजें आ चुकी होती हैं। इस सिलसिले में पुलिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्पेशली इंटरनल ट्रैफिकिंग के हवाले से बात करें तो कहते हैं जी ये तो एफआईए का काम है, जबकि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो एफआईए का काम है और इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्योरली पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस के लिए इसके यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है, किसी किस्म की उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई ऐसा विक्टिम लाइक बॉन्डेड लेबर है, कोई विमेन है, उसको अगर रिकवर भी कर लिया जाता है तो क्या होता है, लेडीज को तो आप दारुल अमान में सेफ हाउस में आप रख सकते हैं उस रिकवर करने के बाद, लेकिन मर्दों को आप कहाँ रखेंगे? मर्दों के लिए जेल के अलावा कोई जगह नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस अपने बजट में से या आप उस वहां विमेन के प्रोटेक्शन सेल्स बनाए जाएं, ताकि वो विक्टिम्स और मेल विक्टिम्स अगर रिकवर होते हैं तो जब तक उनके केस चलता है तो तब तक उनको उन सेंटर्स में रखा जा सके। और इसके अलावा मैडम सिन विटनेस